आज्ञा है। पिताजी ने मुझे 14 वर्ष के लिए वनवास दिया है। हे राम, हे मैया, ये तुम क्या कह रहे हो? तो आप खुशी पूर्वक हमें आदेश प्रदान करें। और बड़े भगवान वो लोग होते हैं जिन्हें माता पिता की आज्ञा का आज्ञा मिलती है और पालन करने वाले बहुत कम होते हैं। हे मैया, हमारा यही कर्तव्य है कि हम अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करें। तो हे मैया, हमें आदेश प्रदान करें। हे राम, तुमने अपनी माँ के बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि तुम अपनी मैया को अगर छोड़कर चले जाओगे तो तुम्हारी इस माँ का क्या होगा? हे राम, हे राम, अपनी माँ के बारे में एक बार तो सोच लेते। हे राम, अगर तुम मुझे छोड़कर चले गए ना तो मेरे प्राण चले जाएंगे, इसलिए पुत्र तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। अरे तुम तो मेरे सहारा हो, मैं तुम्हें ही देखकर जीती हूँ, और अगर तुम मुझे छोड़कर चले गए तो मैं किसके साथ ये अपना जीवन यापन करूँगी, किसके चरणों में मैं अपनी है अचना लगाऊँ? हे प्रभु, हे दीन बंधु दीनानाथ। हे मैया, आप इतना चिंतित ना हो, पिताजी की आज्ञा है और हमसे छोटा हमारा भरत भाई है। और इसी सुंदर प्रस्तुति पर भाई हमारे दाताराम नन्ना जी होता कर्ण राजपूत जी भाई, इनकी ओर से 101 रुपए भाई प्रदान है सुंदर प्रस्तुति पर। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस समय राम जी ने बताया मैया कौशल्या को कि मैं कैकेयी के द्वारा जो वरदान प्राप्त हुए वन को जा रहा हूँ, तो मैया सीता जी भी उनके साथ वन के लिए तैयार हो गई। और यहाँ पर लक्ष्मण जी ने जिस समय सुना कि मेरे भैया वन को जा रहे हैं, समाचार जब लक्ष्मण पाए, जिस समय भाई जानकी जी जिस समय आती है मैया कौशल्या के पास, आप लोग देखे समाचार, समाचार ते ही समय सुन सिए उठी अकुलाई, जाई सास पद कमल जुग बंद बैठ सिरनाई। दीन आशीष सास मृदुवानी। हे पुत्र सीता, सदा सुहागन हो, मैं ये क्या देख रही हूँ तुम्हारे मुख मंडल की ओर, तुम अपनी इस माँ से कुछ कहना चाहती हो, कहो, निसंकोच होकर कहो, क्या कहना चाहती हो? मैं अपने पति के साथ वन जाना चाहती हूँ। हे माता, मैं जानकी को समझा रहा हूँ। हे पुत्र राम, पुत्री सीता को समझाओ, वो तुम्हारे साथ वन जाने के लिए कह रही है। अरे ये तो महलों में रहने वाली एक अबला नारी है, और तुम इसको अपने साथ वन ले जाओगे, ये वन में कैसे रह पाएगी, इसको समझाओ पुत्र राम। हे सीते, तुम अयोध्या में ही रहो और माता पिता की सेवा करो। सिया भो हमारी सिया, सिया भो हमारी सिया, कहीं मानो न बनो चलो तुम सिया, कहीं मानो न बनो चलो तुम सिया, कहीं मानो। चलो सिया, कहीं मानो न बनो।
कंकड़ चुभेंगे रास्ते में कैसे सहोगी, वहाँ पैरों में छाले पड़ेंगे सिया, वहाँ पैरों में छाले पड़ेंगे सिया, वहाँ पैरों में छाले। धाराओं को देखा बन के लिए तैयार हो जाओ। हे लखनलाल जी, आपके भैया प्रभु श्री राम बन के लिए जा रहे हैं, अगर आपको मिलना हो तो आप मिल सकते हैं। समाचार जब लक्ष्मण पाए व्याकुल विलखु वदन उठिधाए, कंप पुलक तन नयन सनीरा गहे चरण अति प्रेम मधीरा। मैं यह क्या सुन रहा हूं, कुछ समय पहले श्री पिताजी के द्वारा मेरे महाप्रभु को इस अयोध्या नगरी का राजा बनाने का स्वप्न देखा गया था, परंतु समय में जिस समय परिवर्तन हुआ तो ऐसा सुनने को मिला कि पिताजी ने मेरे बड़े भैया को आज बनकर राज दे दिया है। यदि केवल मेरे महाप्रभु जाते तो मैं अपने जीवन में संतोष कर सकता था, लेकिन आज तो मेरे महाप्रभु और मेरी माता जानकी दोनों ही वन को जा रहे हैं। लेकिन सोचता हूं, माता ने जो वरदान मांगा है क्या वह वरदान उचित है? यदि मैं इसी तरह सोच में पड़ा रहा तो कहीं ऐसा ना हो मेरे महाप्रभु इस अयोध्या का परित्याग करके निकल जाएं और यह लक्ष्मण इसी अयोध्या में रह जाए। लेकिन अपने महाप्रभु के बिना मैं नहीं जी सकता हूं, क्यों ना चलना चाहिए, अपने महाप्रभु की खोज करनी चाहिए। यदि मेरे महाप्रभु चले गए तो फिर मेरा क्या होगा, क्या मैं जी पाऊंगा? और आप हैं आदरणीय श्री हृदयेश राजपूत प्रधान जी, बड़े सैनी, हरिलाल अनुरागी, पंचर वाले, टोला निवासी, आपकी तरफ से 50 पद मुद्राएं, साधुवाद, धन्यवाद। और आप हैं श्री रामचंद्र अनुरागी, कला शिल्प कारीगर, टोला, जिन्होंने यज्ञशाला बनवाया है, आपकी तरफ से 21 पद मुद्राएं, धन्यवाद। चलूं अपने महाप्रभु की खोज करने के लिए। कंप पुलक तन नयन सनीरा गहे चरण अति प्रेम धीरा, हे दीनानाथ, आज अपने लक्ष्मण को छोड़कर आप अकेले ही उस वन प्रखंड में जा रहे हैं। आपके इस सेवक से ऐसा कौन सा अपराध हो गया है, ऐसी कौन सी भूल हो गई है, आपने एक भी बार विचार नहीं किया? क्या लक्ष्मण आपके बिना इस अयोध्या में जीवित रह सकता है? मेरी तो आपसे प्रार्थना है, अपने संग में इस सेवक को भी अपने साथ उस वन की ओर ले चले। लक्ष्मण, पिताजी की आज्ञा केवल मुझे 14 वर्षों के लिए वनवास के लिए था, तो मेरी तुम्हारे लिए यही आज्ञा होगी कि तुम अयोध्या में ही रहो और माता पिता की सेवा करो, क्योंकि माता पिता की सेवा ही जीवन में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। हे लक्ष्मण, तुम मेरी भुजा